माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में। आखिर ये बुक पटना, इलाहाबाद और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां रहने वाले जितने भी कंपटीटर हैं, यानी कि जितने भी छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आखिर उनके रूम में अगर इस वाले बुक की अगर मैं बात करूं लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये बुक जो है कि प्रत्येक कंपटीटर के रूम में आपको मिलेगा। आखिर इस बुक में ऐसा क्या है कि हर छात्र के रूम में यही देखने को मिलता है? आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बुक बहुत ही अच्छा है। किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इससे प्रीवियस में जो इसकी छोटी वाली सीरीज आती थी, उस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें 20% जो है एरर था। लेकिन इस बुक में क्या किया गया है कि उस एरर को दूर करके इसमें जो है कि समाहित कर दिया गया है, बिल्कुल इसमें एरर देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि ये बुक लड़के पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या गलती करते हैं, उनके पास किस बुक की एक कमी होती है जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास आज एक दवा है जिसको इसको पढ़ने के बाद से वो लोग अपने परफॉर्मेंस को आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमें लूसेंट कितना याद हुआ है और कितना हम कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा। उस बुक की अगर मैं बात करूं तो आपको ये वाली बुक ऑलवेज इस लूसेंट के साथ रखनी है। क्या रखनी है? वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो है कि आपको रखनी है। और इस वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान को कब लगाना है उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे जो है कि आपको लगाना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, आप लोग लूसेंट तो पढ़ते हैं, लेकिन लूसेंट पढ़ने के बाद से क्या करते हैं कि पढ़ लिया और जो है कि इसको रख दिया अलमारी में, ये आप लोग गलती करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है, सपोज मान लीजिए आपने जो है कि लूसेंट के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, विशेष सूची है, इस विशेष सूची में से मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग 20 दिनों में टारगेट बनाइए और 20 दिनों में कोई दो टॉपिक उठाइए। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जियोग्राफी आपको पढ़े कॉम्बिनेशन करके, ताकि हिस्ट्री को पढ़ते टाइम अगर आपको बोरियत महसूस हो जाए तो इसको छोड़ दें और फिर आप जियोग्राफी पढ़ें। यानी कि एक दिन आपको 10 पेज पढ़ने का टारगेट रखना है हिस्ट्री का, तो दूसरे दिन जियोग्राफी भी आपको 10 पेज पढ़ने का टारगेट रखना है। क्यों? क्योंकि आपको ने टारगेट बनाया है 20 दिन का कि इस 20 दिन के अंदर हमको जो है कि ये टॉपिक दोनों समाप्त करने हैं। क्या करने हैं? 20 दिन के अंदर ये दोनों टॉपिक समाप्त कर रहे हैं, तो अल्टरनेट करके आप दोनों टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूं कि पढ़ने के बाद से क्या करना है कि अगर हिस्ट्री में आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, तो प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इस बुक से आपको क्या करना है कि प्राचीन इतिहास का ऑब्जेक्टिव उठाना है और ऑब्जेक्टिव उठा के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है। और एक्यूरेसी में अगर थोड़ा भी गड़बड़ी आता है, अगर आप एक जो है कि 10 दिन आपने पढ़ा हिस्ट्री पढ़ा और आपकी एक्यूरेसी 70% के आसपास आ रही है या 60% आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ने के बाद से बहुत कुछ याद भी हो गया है आपके दिमाग में। यानी कि जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं, इसका मतलब है कि आप अपने एक्यूरेसी को और इंक्रीज कर सकते हैं दोबारा पढ़ के। कब? जब दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा इसको आप ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे तो कम से कम आपकी 80+ की अगर मैं बात करूं तो 80+ आप जो है कि ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी एक्यूरेसी जो है कि मेंटेन हो जाएगी और काफी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान या भारतीय अर्थव्यवस्था को आप लोग पढ़ रहे हैं, 20 दिनों में आपने क्या किया कि हिस्ट्री और जियोग्राफी को खत्म कर लिया, उसके बाद से भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था को पकड़ा, 20 दिन इसको लेकर चले आप लोग और 20 दिन आप लोग इसको पढ़े अल्टरनेट करके। उसके बाद से क्या करना है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। क्या करना है? इस बुक से आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। और ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद से क्या करना है कि अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करके देखना है कि हमारी एक्यूरेसी पहले से कितनी है और अभी जो है कि कितना इंक्रीज हुआ है, उन दोनों को देख के कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करके अपने आप को ये देखना है कि हम में कितना इंप्रूव हुआ है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो प्रौद्योगिकी कुछ फिजिक्स का भी चैप्टर में आ जाता है, तो इसको आप लोग दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं ताकि आप लोग जो है कि चीजों को मेंटेन कर सके।
और इस बुक से आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव लगा के आप लोग देखेंगे कि आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है। इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे आप लोग अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर लेंगे। बहुत लोग आते हैं कि लूसेंट आप जो है कि 20 दिनों में याद करो, क्या दाल चावल थोड़े है कि चम्मच से उठाया खा लिया, ये भैया लूसेंट है। लूसेंट को पढ़ने में वक्त लगता है, जब वक्त लगाएंगे आप ना तो आपको यूं ही लगने लगेगा कि हाँ मेरी एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हो रही है और मेरा जो टारगेट है वो मैं अपने टारगेट के नजदीक जा रहा हूँ। जो भी आपका टारगेट हो, जैसे एसएससी हो या आपका रेलवे हो या पीसीएस हो, कोई सा भी आपका टारगेट हो, तो उस टारगेट के आप बहुत ही नजदीक जाते हुए दिखाई देंगे तो आपको लगेगा कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को करते हैं तो। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि आप लोग जानते हैं कि इस लूसेंट सामान्य ज्ञान में विविध भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, खेलकूद भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का पोर्शन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो इस बुक में आपका विविध खेलकूद और कंप्यूटर का पोर्शन दिया हुआ है, आप लोग उससे जो है कि ऑब्जेक्टिव लगा के अपना एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप लोग को ये करना है कि आप लोग जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आपने पढ़ा है यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने इस टॉपिक को पढ़ा और सोचे कि चलो मैंने इस टॉपिक को तो पढ़ लिया, लेकिन अभी अपना एक्यूरेसी कैसे चेक करें कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस बुक को उठाएंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऑब्जेक्टिव को लगाना चालू करेंगे और अपनी एक्यूरेसी को देख सकेंगे वहां पे कि हमारी एक्यूरेसी कितना है, हमें कितना रिमेम्बर हुआ है। अगर आपको 70% या 60% रिमेम्बर हुआ है ना, तो अगली बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका वो एक्यूरेसी बढ़ के 80% के आसपास पहुंच जाएगी, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ आई कैन डू इट। तो मैं भी जब भी अपने स्टूडेंटों को मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बात करता हूँ, मैं उनको दो बुक जरूर रिकमेंड करता हूँ, ताकि जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ या जितना भी थ्योरी मैं कराता हूँ, वो लोग इस बुक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव लगा सके। चूंकि मैं अपना ऑब्जेक्टिव देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, ताकि वो लोग देख सके कि पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, और उसको वो लोग आसानी से कर सके, ताकि उन्हें बाद में आगे चल के दिक्कत ना हो कि मैंने इस प्रश्न को टच नहीं किया है। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ मैंने ये नहीं, आज नहीं तो कल पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो वो लोग गेस करके उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी पार्ट है ना इधर, और इसके अगर मैं बात करूं तो इसके ऑब्जेक्टिव सारे आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने दोनों लूसेंट सामान्य ज्ञान और लूसेंट सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ को कंपैरिजन किया है यहाँ पे, और कंपैरिजन करके एक बहुत ही बेहतर निचोड़ निकाला है, ताकि आप अपने तैयारी को इम्प्रूव कर सके, मेंटेन कर सके उसको। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और, इसमें जो आपको देखने को नहीं मिलेगा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड भारतीय संस्कृति और कल्चर की अगर मैं बात करूं तो इस बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बुक में आप ऑब्जेक्टिव इसके देख सकते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव को बहुत ही शानदार तरीके से इसमें करके दिया हुआ है, तो यहां से आप ऑब्जेक्टिव उसको लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त इसमें आर्ट एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप लोग उससे इसको लगा सकते हैं और अपने आप को जो है कि मजबूत बना सकते हैं। तो मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है जीएस का, इन दोनों बुक को आप प्रीफर करें, और प्रीफर करने के साथ साथ अपने एबिलिटी को चेक करें बाय द हेल्प ऑफ वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के माध्यम से, आप लोग इसको अपने एक्यूरेसी अपने एफिशिएंसी को देखें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, लूसेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है, इसके बेस्ट ऑब्जेक्टिव नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से उनके माइंड से सारी चीजें स्लिप कर जाती हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोगों को अगर अपने माइंड से स्लिप नहीं करना है चीजों को, तो आप लोग इसके साथ इसको जरूर आप लोग फॉलो करें, ताकि आप लोग अपने एक्यूरेसी को ऑलवेज मेंटेन रख सकें। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। इसके बाद से मैं बात करूं तो जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं, पर्सनली एक बुक आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर कोई बंदा पीसीएस की या लोअर लेवल की तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी वो बुक। तो मेरा मानना है कि मैं भी उस पे जो है कि आप लोगों को एक वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आप लोग उसको देख सकें, और वो बच्चे जो अभी हाल ही में नए नए कंपटीशन में घुसे हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ही
जो है कि यूजफुल होगी। और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे क्लासेस चलती हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास, जियोग्राफी की क्लास, मैं बात करूं उसके बाद से पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की क्लास, साइंस की क्लास और रीजनिंग की क्लास और मैथमेटिक्स की क्लास भी चलती है। तो आप लोग अगर अटेंड करना चाहें तो उसको बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं और अटेंड करके आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अपने कंपटीशन, अपने जो एग्जाम है उनको बीट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।